अरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, कुशल मंगल है। आज हम एक टॉपिक में बात करेंगे, शायद ये टॉपिक मैंने कहीं देखा नहीं, पर मुझे मन किया इस टॉपिक में आपके साथ बात करने के लिए, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक में आपके साथ बात करना चाहती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर किसी को लगे कि ये गलत है तो बताने में निसंकोच बताए, क्योंकि जो मेरा फीलिंग्स है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। जो क्योंकि इतने सारे शास्त्रों तो हमने पढ़ के नहीं रखा है, जब भी मौका मिलेगा, जब भी भगवान जी हमें आशीर्वाद करेंगे तो हमने बाकी कुछ चीज़ें पढ़ा है, और बाकी बस समुंदर किनारे से एक कण मैंने उठाया है, आप ये बोल सकते हैं, और बाकी तो पूरे समुंदर पड़ा है जानने के लिए। तो इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि मैं जो शेयर कर रही हूँ वो सही है कि गलत है, बस मेरा जो मन है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो आज की टॉपिक ये है कि हम सूर्य भगवान जी की मूर्ति घर में क्यों नहीं रखते हैं, और बहुत रेयर केस में ही किसी के घर में आपको सूर्य भगवान जी का मूर्ति दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? अब सबसे पहले इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करती हूँ। मान लो घर पे आपकी मम्मी पापा है, या आपकी दादी जी है, या जो भी आपका घर में मेम्बर्स वो सारे हैं। अब आपकी मम्मी को आपको बताना है कि आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, तो आप क्या करोगे? मम्मी के एक फ़ोटो लोगे, फ़ोटो लोगे मम्मी के सामने, उनके सामने बैठोगे, और फिर फ़ोटो के सामने ज़ोर ज़ोर से बोलोगे, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे ना खाना चाहिए। ऐसा करोगे? नहीं ना, जाके सीधा मम्मी के पास जाओगे, क्योंकि मम्मी घर पे ही है, और जाके बोलोगे, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। ऐसे ही करोगे ना? एक ये कहने का ये कारण ये था कि जब कोई हमारे सामने प्रत्यक्ष रहते हैं तो क्या हम उनके फोटो लेके उनके सामने बात करने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं करते हैं। उनके भले ही हम लोग फोटो खींच के रख देते हैं, एल्बम में रख देते हैं कि इतने साल पहले ऐसे दिखते थे, अब ऐसा दिख रहे हैं, ये हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, ये हम घूमने गए थे, एक स्मृति के हिसाब से हम रखते हैं फोटोज़। ऐसा नहीं कि फ़ोटोज़ नहीं रखते हैं, लेकिन जब हमें अपने दिल की बात कहनी होती है, जब हम अपने दिल से उनसे बात करना चाहते हैं, जब छोटी छोटी बात करना चाहते हैं, तो क्या हम उनके फ़ोटो के सामने जाके बात करते हैं? नहीं ना, नहीं करते हैं। सूर्य भगवान एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं हमें हर रोज़, और क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हमें लगभग साल के 365 दिन भगवान जी का दर्शन मिलता है। बारिश के समय थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी 365 दिन भगवान जी का दर्शन मिलती है। तो बारिश के दिन में चलो 10 दिन 20 दिन मैं छोड़ देती हूँ, बाकी तो मिलता है। कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ सूर्य दिखते ही नहीं है, सूर्य भगवान दिखते ही नहीं है। डेली लाइफ इतनी हेक्टिक है वहाँ पे, इतनी प्रॉब्लमेटिक है, इतनी मेहनत है वहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। टीवी में देखना तो बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा बर्फ़ गिर के रखा है, चारों तरफ सफ़ेद हो रहा है, क्या उस जगह पे जाके हम 10 दिन भी रह पाते हैं? क्या उस जगह पे जाके हम आज जैसे जी रहे हैं वैसे जी पाएंगे? कभी सोचना। सूर्य भगवान हमारा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारे जो हर काम, यहाँ तक कि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ऊर्जा कहाँ से आता है? सूर्य भगवान से आता है। कभी ध्यान करना, आपने ध्यान शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा, नोटिस किया भी होगा या नहीं किया होगा, आज के बाद आप जरूर नोटिस करना। जब हमारे यहाँ पे बारिश होती है या थोड़ा बादल लग जाता है, और मुंबई में तो ये चीज़ बहुत होता है कि 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो जाता है, यहाँ तक 10-12 दिन हो जाता है, सूर्य भगवान आते ही नहीं है, अंधेरा सा लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, बादल छाया हुआ रहता है, ठंडा रहता है, बड़ा अजीब सा लगता है, मन भी उस टाइम थोड़ा सा नम रहता है, ख्याल करके देखना, थोड़ा सा नम रहता है, कपड़े वगैरह सूखते नहीं है, स्मेल आना शुरू हो जाता है, यानी कि एक नेगेटिविटी आती है, एक नेगेटिव फीलिंग्स आता है। अब ये 10 दिन के बाद जब सूर्य भगवान उदित होते हैं, जब उनकी झिलमिलाती हुई धूप चारों तरफ आते हैं, जब सोने की तरह धरती चमक जाती है, तो सबसे पहले हमारे दिल से क्या निकलता है? वाह, क्या धूप आई है, मज़ा आ गया, क्या धूप आई है आज, तो कमाल का धूप आया है,
हर एक इंसान मेरे ख्याल से बोले या ना बोले मन मन तो जरूर सोचता होगा। तो देखा कितनी जल्दी ऊर्जा आपके अंदर आती है, मन की ऊर्जा मिल गई आपको, थोड़े देर में शरीर की भी ऊर्जा मिल जाती है। जो काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, अब धूप देख के आप वो काम, चलो ठीक है धूप आ गया कोई बात नहीं, आप मेरा ये काम पड़ा था मैं ये कर लेता हूँ, मुझे यहाँ जाना था मैं चला जाता हूँ, ये चीज़ होती है। किसी के लिए छोटा कम होता है, इतना ख्याल नहीं करते, किसी के लिए ज़्यादा होता है, चीज़ों को ज़्यादा ख्याल करते हैं, लेकिन हर कोई इस चीज़ को फेल करता है। तो इतनी ऊर्जा है भगवान जी के अंदर, और प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले एकमात्र देवता है। तो जिस देवता का हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, क्या उनका मूर्ति रखना जरूरी है? उनकी मूर्ति रखते हैं कौन? उनकी मूर्ति बनती है, बाजार में मिलता है और रखते भी है, कौन रखते हैं? ये कम्प्लीटली मेरा चिंताधारा है, मैंने ये कहीं से पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो ज्योतिष होते हैं, जो नवग्रह शांति की पूजा पाठ करते हैं, जो एकदम पंडित जी होते हैं, जिनको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हर चीज़ पता है, सात्विक जीवन यापन करते हैं, वो नवग्रह ग्रह शांति के लिए पूजा करते हैं, जब नौ ग्रह को एक साथ बैठा के साथ में पूजा किया जाता है, उनके लिए यूज़ होता है। आपको 95% घर में सूर्य भगवान की घोड़े में रथ में बैठी हुई मूर्ति नहीं मिलेगी। इसका रीज़न यही मुझे लगता है कि जब कोई साक्षात है तब उनकी मूर्ति की पूजा करने की ज़रूरत क्या है। हाँ एक चीज़ आपको मिल जाएगी, मेरे पास भी है, शायद आप लोग भी रखते होंगे, ये जो है सूर्य भगवान का, इस तरह का जो सूर्य भगवान का बना हुआ रहता है, मैंने अपने नर्सरी टूर में भी सेम ये चीज़ मिट्टी के ऊपर बना हुआ दिखाया था आपको। तो ये बहुत लोगों के घर में रहती है, मंदिर में रहते हैं, कोई कोई इसको डेकोरेशन पर्पज़ यूज़ करते हैं, कोई कोई इसको वास्तु दोष निवारण के लिए यूज़ करते हैं, कोई कोई इसको फेंगशुई के लिए यूज़ करते हैं, और कोई कोई खाली भगवान के मंदिर में रखते हैं पंचदेव का जब पूजा करते हैं तो इकट्ठा साथ में हाथ जोड़ने के लिए। पर उनकी जो रथ में बैठी हुई घोड़ा में, जो घोड़ा में आगे रथ के आगे घोड़ा बांधा हुआ रहता है, रथ में सवारी करते हैं, वो वाली मूर्ति बहुत ही रेयरेस्ट केस में मिलती है। इसकी एकमात्र कारण यही है कि साक्षात भगवान का मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है। मूर्ति हम क्यों रखते हैं? मूर्ति हम रखते हैं प्रतीक स्वरूप, कोई भगवान जी का जब प्रतीक हम रखते हैं। हवा में तो हम यहाँ लक्ष्मी जी है फूल चढ़ा दिया, वहाँ नारायण जी है फूल चढ़ा दिया, शिव जी है फूल चढ़ा दिया, ऐसा तो हम कोई कर नहीं पाते हैं। तो हमारे मन की कंसेंट्रेशन के लिए हम मूर्ति सामने रखते हैं। एक भव्य सुंदर मूर्ति जब सामने होती है तो हमारी दिल से ये भाव आता है कि यही हमारे नारायण जी सामने खड़े हैं, इनके चरणों में मैं फूल अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो सूर्य भगवान को तो हम लोग डायरेक्ट पानी चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, तो फिर घर में मूर्ति रख के क्या करेंगे जब डायरेक्ट वो हमारे सामने है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्रिप्शन जरूर करना। 89% लोग वो होते हैं जो रोज़ सारे वीडियोज़ देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें।